एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रिया दीप में। जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल ही गया और मेरे चेहरे की खुशी देख के भी आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि आज मैं आप लोगों से किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। यस गाइस, जिस चीज का आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे मेरे साथ साथ, आखिर वो दिन आ ही गया और मुझे मिल ही गया हमारा सिल्वर प्ले बटन। इसे मैं मेरा नहीं बोलूंगी क्योंकि अगर मैं वीडियो डालती आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करते तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, तो जितना मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँ उतना कम है। आप लोगों को मेरी वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, मेरे फेस पे भी थोड़ा सा आप लोगों को वो ग्लो नहीं दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे मुंह में छाले हो गए हैं तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बोलने में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। आप लोग समझ सकते होंगे, जिनको छाले की प्रॉब्लम होती होगी तो वो लोग समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। बट यार, इतनी बड़ी खुशी के सामने इतना सा दर्द बर्दाश्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिस चीज़ का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई, ज़्यादा आप लोगों को और वेट नहीं कराती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो जिस दिन मुझे मिला था उस दिन का क्लिप मैंने शूट किया है, तो चलो पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद मैं और आप लोगों से थोड़ा सा अपने दिल की बात बताती हूँ। तो चलो पहले वो क्लिप देख लेते हैं कि जब मुझे मिला था तो मुझे इसमें क्या क्या मिला था। पता है आप लोगों को, देखने से पहले ही मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं जब YouTube पे देखती थी कि लोगों को सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन मिल रहा है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, तो मैं सोचती थी कि ऐसा इस प्ले बटन में क्या है कि लोग इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। जब मुझे मिला तो वो चीज़ मैंने फील की, मुझसे ज़्यादा तो दीप हैप्पी थे, मतलब काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। दीप वैसे कभी इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं यूट्यूब को लेके, पता नहीं क्यों, उतना ज़्यादा सपोर्टिव भी नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग मेरे ब्लॉग वगैरह में उनको नहीं देखते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, जब मुझे मेरा प्ले बटन मिला तो उन्होंने इसकी फ़ोटो क्लिक करी और अपने व्हाट्सअप पर स्टेटस में लगाया इन्होंने। यार वो खुशी कैसे आप लोगों से एक्सप्लेन करूं, मैं नहीं बता सकती कि इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। और तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलो पहले देख लेते हैं कि ये मुझे मिला था तो हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया था। उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि आप लोगों से लाइव आके अपनी खुशी जाहिर कर पाऊँ आप लोगों के सामने। तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, हद से ज़्यादा फीवर था और बोल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी सी क्लिप है, चलो देख लेते हैं, फिर दिल की बात आपसे बताते हैं। तो गाइज, एक कुछ इस तरीके से पैक होके आया था। पहले मुझे लगता था कि जब आपके 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मेल तो यूट्यूब आपको भेज देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनके पास मेल करना होता है, फिर वो आपके चैनल को वेरीफाई करते हैं, इसके बाद ये प्ले बटन आपके पास भेजते हैं। तो जब मैंने उनको मेल किया था तो उसके 6-7 दिन बाद ही, मुश्किल से 7 या 8 दिन बाद ही मेरा प्ले बटन आ गया था। एक दिन में उन्होंने चैनल को वेरीफाई किया था। तो कुछ इस तरीके से आया था। इसमें आपको एक कार्ड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यार, इसमें काफ़ी अच्छी बातें मेंशन होती है, काफ़ी प्राउड फील कराता है एक कार्ड। तो आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है, कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये प्ले बटन मिलता है। तो सच में ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है चेहरे पर, और मुझे तो हद से ज़्यादा खुशी हुई थी जब ये मुझे मिला था। तो ये है मेरा प्ले बटन। जब मैं इसे ओपन कर रही थी तो माइंड में एक ही ख्याल था, कहीं इसमें मेरा गलत नाम ना हो, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरा नाम दम सही है, प्रिया दीप। तो यस, मेरा नाम बिल्कुल भी सही था। और इसके बाद दीप जो है केक ऑर्डर किए थे तो यूट्यूब का लोगो बनवाया था उन्होंने, तो हम लोगों ने केक कट किया, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए। उतना मेरी तबीयत ख़राब थी तो उतना ज़्यादा मैंने इन्जॉय नहीं किया। केक मैंने बाबू से कट कराया क्योंकि वो मेरा लकी चाम है, मेरा बेटा जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है, तो केक उसी ने कट किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही क्लिप है, दीप मुझे केक खिला रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, हम लोगों ने केक वगैरह कट किया था। यस, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है, कुछ लोगों के लिए ना मायने रखता हो, लेकिन गांव से बिलोंग होने के कारण सिल्वर प्ले बटन मिला। यार ओ माय गॉड, कैसे बताऊं आप लोगों को। चलो थोड़ी सी बात बताती हूँ। यहाँ कि आप लोगों को पता ही है कि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो गाँव से बिलोंग होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। मैंने मेरे चैनल के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ दीप को पता था क्योंकि ईमेल आईडी वगैरह बनाना नहीं आता था, तो दीप ने ही बनाया था, और मेरे भाई को पता था, राहुल और मोहित को पता था। तो मेरे दोनों भाई को पता था और दीप को पता था। 4 महीने पहले ही मेरी फैमिली को पता चला है,
वो इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। आप लोग देखेंगे 4 महीने पहले वाला वीडियो देखेंगे तो मेरे वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे थे, कोई मिलियन पे कोई ऐसे, तो काफ़ी वायरल हो रहा था। तो मेरी ससुराल की साइड से किसी ने मेरा एक वीडियो देख लिया था जो कि था मेरा दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो था। उस टाइम मैं कुकिंग कर रही थी लेकिन दीप आए, बोले एक दो पूड़ी मैं निकाल देता हूँ, बाबू रोने लगा, तो मैंने कहा ठीक है आप निकाल दो। वही क्लिप मैंने डाल दिया था, बस खुशी की वजह से मैंने डाल दिया था कि दीप पूड़ी निकाल रहे थे। तो गांव का पता ही है आपको कि उनमें से किसी ने देखा और जाके मेरी मदर इन लॉ को बता दिए कि आपकी बहू क्या कराती है, आपके बेटे से पूड़ी वगैरह बनवाती है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था, उतना काफ़ी बड़ा वाला नहीं हुआ था फिर भी हो गया था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा कि तुम मेरे बेटे से काम कराती हो, तो मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। यस मैं उनको मम्मी बोलती थी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मम्मी बाबू रो रहा था तो मैं बाबू को पकड़ने चली गई, इसलिए दीप ने पूड़ी निकाल दी थी दो चार। लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। इसके बाद दीप ने सबको समझाया और मेरे जो दो जेठ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। तो उन लोगों ने समझाया कि ये जो कर रही है अच्छा कर रही है। तो मेरी मम्मी मान गई थी, मेरी पूरी फैमिली, फिर मेरी पूरी फैमिली को पता चल गया। और मेरी पूरी फैमिली को जब पता चला मेरे 60K सब्सक्राइबर थे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि 60K सब्सक्राइबर काफ़ी मायने रखता है। तब तक मैंने मेरी फैमिली को नहीं बताया था, सिर्फ दीप को पता था और मैं इतना ज़्यादा एक्टिव ही नहीं रहती थी, आप लोगों को पता ही है। लेकिन कुछ टाइम से मैं एक्टिव रहने लगी हूँ, तो अब आप सोच सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो ऐसी थी कुछ मेरी जर्नी जो मैंने यूट्यूब के लिए स्टार्ट करी थी। अगर आज आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार ना करते, इतना ज़्यादा सपोर्ट ना करते, तो जिस टाइम मेरी फैमिली को पता चला था 60,000 सब्सक्राइबर थे और मुझे लग रहा था कि अब मुझे मेरा चैनल बंद करना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया, मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक शेयर किया कि यार मेरे 60,000 से कब 1,00,000 हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और जब से 1,00,000 हुआ था तो आप लोग दी शेयर करो, दी शेयर, दी बताओ, आपका सिल्वर प्ले बटन आया, सिल्वर प्ले बटन आया। तो यस गाइज फाइनली आ गया। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि YouTube सेंड करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको YouTube के पास मेल करना होता है कि आपने 100K सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, तो लोग आपके चैनल को वेरीफाई करते हैं। अगर आपका चैनल सही रहता है, मतलब कोई कॉपीराइट वगैरह या फिर स्ट्राइक वगैरह नहीं रहती है, तब वो लोग सेंड करते हैं। तो उन्होंने मेरा चैनल वेरीफाई किया, इसके बाद 6-7 दिन के अंदर ही मुझे मिल गया। तो सच में यार अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो आज ये प्रियादीप फैमिली इतनी बड़ी ना होती और शायद प्रियादीप फैमिली पता नहीं कहाँ चली गई होती। लेकिन थैंक यू सो मच यार कि आप लोग सच में मेरी लाइफ ही चेंज कर दिया, पूरा मेरा लाइफ स्टाइल ही आप लोगों ने चेंज कर दिया। तो जितना धन्यवाद बोलूँ आप लोगों का कम है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, जैसे आप लोग अभी तक मेरा सपोर्ट करते आ रहे हैं, ऐसे इन फ्यूचर सपोर्ट करते रहें प्रियादीप फैमिली को, क्योंकि ये हमारी अकेले की नहीं, हम सबकी फैमिली है और मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली हद से ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो यस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो, दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और इसे अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको भी शेयर करना, ताकि वो भी मोटिवेट हो। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो ज़रूर करना चाहिए यार, हमें अपने पैरों पे खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को शेयर करते हों या ना करते हों, लेकिन इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। अगर कोई कुछ करना चाहता है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो कर सकता है। अगर मुझे YouTube पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो कोई भी पहुँच सकता है यार। लोगों को उनके पैरों पे खड़ा होने का पूरा अधिकार है, किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।